पब्लिक टीवी आपकी आवाज। भाजपा जिलाध्यक्ष राजपाल सिंह चौहान की गाड़ी को सर्किट हाउस में प्रवेश देने पर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी भड़क गए। कांग्रेसियों ने हंगामा शुरू कर दिया। कांग्रेसियों का कहना था कि जब सुरक्षा के लिहाज से सर्किट हाउस का गेट बंद कर दिया गया था तो भाजपाइयों को प्रवेश क्यों दिया गया। लखीमपुर जा रहे कांग्रेस नेता सचिन पायलट को पुलिस ने सर्किट हाउस में नजरबंद कर दिया था। सूचना मिलने पर सर्किट हाउस पहुंचे कांग्रेसियों को अंदर जाने नहीं दिया गया। इसके विरोध में कांग्रेसियों ने इकट्ठा होकर सर्किट हाउस के गेट पर धरना दिया। इस पर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी नेताओं ने नारेबाजी कर पुलिस से उलझ गए और काफी देर तक हंगामा किया। कांग्रेसियों ने कहा कि गेट पर सुरक्षा के लिहाज से पुलिस का पहरा लगाया गया है। कार्यकर्ताओं को सचिन पायलट से मिलने नहीं दिया गया, लेकिन भाजपाइयों की गाड़ी देखकर गेट खोल दिया गया। जब योगी डरता है देश को आगे करता है। प्रियंका गांधी जिंदाबाद, सचिन पायलट जिंदाबाद, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लखी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लखी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जब जब योगी डरता है देश को आगे करता है, जब योगी डरता है देश को आगे करता है। उत्तर प्रदेश में किस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं पहले तो ये समझना होगा। प्रियंका जी को पिछले 60 घंटे से बंद रखा गया बिना किसी एफआईआर के, जबकि 151 में भी 24 घंटे में छोड़ दिया जाता है अगर कोई व्यक्ति हिरासत में होता है तो। हमारी गलतियां ये हैं कि हम लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। गृह मंत्री, गृह राज्य मंत्री के बेटे गाड़ियों से कुचल रहे हैं लोगों को, वो बलवा करा रहे हैं, वो बाइटें दे रहे हैं, घरों में बैठे हैं, फाइव स्टार होटलों में घूम रहे हैं। हमारे नेता लोगों से मिलने जा रहे हैं, किसानों से मिलने जा रहे हैं, तो उनको अनुमति नहीं दी जा रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अनुमति देने वाले ये होते कौन हैं। ये देश इनकी बाप की जागीर नहीं है, ये देश लोकतंत्र से और संविधान से चलता है। आज के समय में प्रियंका जी का बंद करना, और अगर इनमें हिम्मत है तो प्रियंका जी को रोक के दिखाएं। योगी जी को झुकना पड़ेगा, इस प्रदेश को छोड़ना पड़ेगा। इस देश के सामने एक ही विकल्प है कांग्रेस पार्टी, जो किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, भ्रष्टाचारों के लिए, भ्रष्टाचार खत्म करने की लड़ाई लड़ती है। और आज केस हम पे होंगे। सचिन पायलट जी को अंदर बंद किया हुआ है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो, क्या गुनाह है उनका? उनका गुनाह यह है कि वो किसानों से मिलने जा रहे हैं। बाबा योगी आदित्यनाथ को मैं कहना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी को रोकना अब उनके हाथ में नहीं है। वो अब गोरखपुर जाएं और घंटा बजाएं। पूरा लॉ ऑर्डर खराब कर दिया उन्होंने, जिस दिन से आए हैं पूरे प्रदेश का सिस्टम खराब कर दिया। पुलिस के दम पर उत्तर प्रदेश में अब शासन नहीं होगा, ये चेतावनी है और ये संघर्ष अब शुरू होता है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज।